3, 2, 1. मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं हॉराइज़न हिंद न्यूज़। आदर्श नगर थाना पुलिस की ईमानदारी से खुश हुआ अजमेर। थाने में खोया हुआ 15,000 रुपए का सोने का ताबीज महिला को लौटाया। आदर्श नगर थाना क्षेत्र हटूंडी की एक महिला नाजिया पुलिस थाने में गवाही देने आई थी। जाते समय थाने पर ही उसका एक 15,000 रुपए का सोने का ताबीज खो गया, जिसे आदर्श नगर थाना पुलिस ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए ताबीज को नाजिया को फोन कर वापस लौटा दिया। ताबीज मिलने पर नाजिया ने आदर्श नगर थाना पुलिस का शुक्रिया अदा किया है। थाना आदर्श नगर पर नाजिया जी किसी जांच के संबंध में आए थे, जिनका सोने का ताबीज गिर गया था, जिसमें विनोद जी, सुनील जी और अनीता जी के साथ में वहाँ खड़ा था। तो हमारी नज़र उस पर पड़ी, हमने एसएचओ साहब को बताया। एसएचओ साहब ने पता करने का कि किसकी संपत्ति है, क्या है, तो हमने उसको नाजिया जी का नंबर प्राप्त करके उनको सुपुर्द किया। ये हमारा पुलिस की तरह और एक समाज में हमारा कर्तव्य है कि जिसकी संपत्ति उसको सुपुर्द कर दी जाए। हमने इनको संपत्ति सुपुर्द कर दी। रतन सिंह, हेड कांस्टेबल, आदर्श नगर थाना। क्या हुआ था सर? मैं यहाँ कोई काम से आई थी आदर्श नगर थाने में, मेरे गांव वाले के साथ, तो मेरा यहाँ ताबीज खो गया था। ताबीज काहे का था? 15,000 का था सर। क्या सोने का था? सोने का था सर। तो मैं ये मुझे फ़ोन करके बोला, हमारे गांव के पास वापस कॉल किया तो हमने बोला कि आपका कोई चीज़ गिर गई, तो हमने बोला हमारा ताबीज़ गिर गया। तो मैं आदेश नगर थाने का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, वो उसने मेरा ताबीज़ वापस लौटा दिया। क्या कहना चाहोगे आदेश नगर थाने को, क्या शुक्रिया? उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आदेश नगर थाने वाले को, उन्होंने मेरा कॉल करके वापस अपना चीज़ लौटा दी मुझे। कौन सा गाँव, क्या नाम है? हटूंडी की हूँ मैं, मेरा नाम नाजिया है। जैन समाज के लोगों का एसपी को ज्ञापन। कन्हैया लाल के घर में घुसकर की थी मारपीट और लूट। अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने की कर रहे हैं मांग। कुछ दिनों पहले गेगल थाना क्षेत्र के अंतर्गत मारपीट और लूट का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें पीड़ित कन्हैया लाल के घर में घुसकर कुछ बदमाशों ने उससे और उसके बेटे के साथ मारपीट की थी तथा घर का सारा सामान ले गए थे। इसी को लेकर पूरे जैन समाज में रोष है। आज उन्होंने एसपी को ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए तथा उन पर डकैती का मुकदमा चलाया जाए। गत 14 अगस्त को गेगल में हमारे जैन समाज के व्यापारी थे कन्हैया लाल जी, जैन के नाम से उनकी है, उनके पुत्र और वहाँ उनके जो है बेटे, वहाँ जो है दोनों वहाँ परिवार सहित वहाँ रह रहे थे। तो एक जो गैंग आए कुछ करीब 5-7 लोग, उन्होंने आकर जो है वहाँ उनके साथ मारपीट की। मारपीट के बाद उनको ऊपर से उठा के नीचे फेंक दिया और घर का सारा सामान वो घर के ले गए। तो जिस तरह वो ले गए, तो वहाँ जो थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ, तो उसके लिए हम जो जिलाधीश महोदय और एसपी साहब से बात करने के लिए आएंगे। तब एक जिस तरह उन्होंने जानलेवा हमला किया उन पर और दोनों को ऊपर से नीचे फेंक दिया, और एक जने के तो 23-24 टाँके आए सिर में, एक जने के पूरे शरीर में कई फ्रैक्चर हो गए। तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ़ जानलेवा हमला प्लस एक डकैती का मुकदमा उनके खिलाफ़ दर्ज हो, उसके लिए हम यहाँ जो आएँ कि इस पर पुनः जो है अनुसंधान करके दोषियों को सख्त से सख्त जो है सज़ा मिल सके। रिद्धि सिद्धि के देव गणेश चतुर्थी का पर्व दिखा फीका। ज्यादातर लोगों ने अपने अपने घरों में ही रहकर की पूजा अर्चना। गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना काल के चलते लोगों में उत्साह नजर नहीं आया। वहीं सरकार की गाइडलाइंस का भी पालन किया गया।
लोगों ने घर में ही रहकर गणेश जी की पूजा अर्चना की तथा उनकी प्रतिमाएं स्थापित की। अजमेर के आगरा गेट स्थित प्राचीन गणेश मंदिर में 12 बजे आरती की गई। मंदिर के पंडित घनश्याम आचार्य के द्वारा इस बार मंदिर में 10% भी भीड़ देखने को नहीं मिली। नहीं तो अजमेर शहर में भी गणेश चतुर्थी का पर्व महाराष्ट्र की तर्ज पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज सात सुबह 5 बजे भगवान की मंगला आरती करी, 6 बजे नित्य आरती करी, भगवान को नहलाया पंचामृत दूध से और केसर के स्नान से स्नान करवाया, 8 बजे गणपति जी के अतर शीर्ष के पाठ किए, उससे भगवान के दूध का अभिषेक हुआ, 11 बजे से भगवान की दुग्धाभिषेक, केसर, शहद का स्नान, शक्कर का स्नान, पंचामृत स्नान, शुद्ध जन स्नान करा के और भगवान को नए वस्त्र धारण करा के और फिर भगवान को पोशाक चंदन लगा के माला पहना के भोग लगाई, आरती करी 12 बजे सही। कुछ भी माहौल नहीं है साहब, बिल्कुल भीड़ नहीं है साहब, 10% भी नहीं है भीड़। और मैंने भी यही जिज्ञासा करी, मैंने कल परसों पेपर में यही कहा था भाई करीब करीब सब माता बहने भाऊ जी पिता लोग अपने घर में पूजा करें जो आ सकते हैं। अब थोड़ी प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने भगवान का जन्मदिन मनाने दिया और बहुत शांति से कार्य तो सोशल डिस्टेंस से मनाए। आ रहे हैं श्रद्धा अनुसार थोड़े थोड़े तो आ ही रहे हैं साहब, पर वो मजेदार ही नहीं है साहब। आपका नाम? मैं घनश्याम आचार्य, प्राचीन गणेश जी का मंदिर आगरा के। स्कूटी चोरी करने वाले 2 चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपियों से की स्कूटी बरामद। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत अनुपमा मैसी पुत्री श्री सुनील मैसी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी एक्टिवा स्कूटी चोरी हो गई है। थाना अधिकारी सुनीता गुर्जर ने सूचना मिलते ही स्कूटी की छानबीन कर दी तथा सीसीटीवी फुटेज व मुखबरों के आधार पर दोनों चोरों को पकड़ स्कूटी बरामद की। दोनों चोरों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिनांक 19 अगस्त को अनुपमा डॉटर ऑफ सुनील मैसी ने एक कंप्लेन, उसकी एक स्कूटी चोरी हो गई थी जिसकी कंप्लेन पर 20 अगस्त को मुकदमा दर्ज हुआ। उसके तहत हमारी जो टीम है जिसमें सूरज, राम नरेश वगैरह 2-3 सिपाहियों ने अच्छी मतलब वहाँ पर के सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरी के आधार पर पता किया कि कौन चोर हो सकते हैं। इसके आधार पर 2 लड़कों को दस्तयाब किया जो हिमांशु सनो परवीन और अनिश सनो चंद्र प्रकाश है, जो एक धोलाभाटा निवासी है और एक है अपने धाननाड़ी का रहने वाला। इन लोगों का पीछा करके और जब पता किया तो इन लोगों को पकड़ के लाए, पूछताछ की। जो चोरी हुई स्कूटी है वो इनके यहाँ से बरामद हो चुकी है और आगे अनुसंधान जारी है। आज इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, आगे जैसे भी जो कार्रवाई होगी। इससे पहले भी कोई वारदात? इससे पहले अभी तक कोई वारदात का पता नहीं चल पा रहा है, इन्होंने अभी तक कुछ बोला नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं अगर वारदात की है तो उसका भी खुलासा करेंगे। राष्ट्रीय किसान मोर्चा समिति ने राष्ट्रपति के नाम दिया जिला कलेक्टर को ज्ञापन। अजमेर में राष्ट्रीय किसान मोर्चा समिति ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किसान कानून अधिनियम में बदलाव को लेकर कड़ा रोष जताया है। किसानों ने कहा है कि सरकार की यह बदलाव किसानों के हितैषी नहीं है। आपको बताते चलें कि सरकार ने किसानों के संदर्भ में 3 अध्यादेश पारित किए हैं जिसे किसान वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अध्यादेशों को पूंजीपतियों का हितैषी बता रहे हैं। राष्ट्रीय किसान मोर्चा समिति ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।
राष्ट्रीय किसान मोर्चा के तत्वाधान में आज राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें किसानों के जो कथित 3 अध्यादेश जारी किए हैं उनके एवज में हम ये मांग करते हैं कि 5/6/2020 को किसान कानून हितैषी नहीं है, लेकिन सरकार ने किसान विरोधी कानून को लागू किया है। हम पूरे भारतवर्ष में ये कानून का विरोध कर रहे हैं और आज इस किसान राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अंतर्गत हम ये कहना चाहते हैं कि अगर किसानों का ये कानून विरोध नहीं किया, कानून को लागू किया, तो पूरे भारतवर्ष में हम एक आंदोलन स्थापित करेंगे जिससे सरकार नर्वस होकर के ये कानून का विरोध करेगी। और हम ये चाहते हैं कि ये कानून सरकार किसान विरोधी वापस ले। नाम बताइए। ललित कुमार जारेवाल, भारत मुक्ति मोर्चा। आप लोग मिलने आए हैं और क्या ज्ञापन दिया है आज तो राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर के खुद ज्ञापन सौंपा गया राष्ट्रीय किसान मोर्चा के, इसमें हमारी प्रमुख मांग है 5 जून को केंद्र सरकार ने जो 3 अध्यादेश वो जारी किए हैं जिसमें किसान कानून हितैषी नहीं है और बल्कि ये बड़े पैमाने में ओनली पूंजीपतियों को फायदा पहुँचा है, और ये कानून पारित किया है जिससे पूरे देश में किसानों में आक्रोश है। और राष्ट्रीय किसान मोर्चा द्वारा आज 22 अगस्त को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है जिसके तहत देश के 550 जिलों में एक जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है और 3 जो अध्यादेश है वो फार्मर एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन एग्रीमेंट इंश्योरेंस और फार्म सर्विस और ऑडिट, और दूसरा है फार्मर प्रोडक्ट ट्रेड एंड कॉमर्शियल प्रोडक्ट एंड फाइनेंस, और तीसरा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें देश के सभी राज्यों में 550 जिलों में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हरिराम जाट, जिला अध्यक्ष। धन्यवाद। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com। सच के साथ।